ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निम्बाहेड़ा छोटी सादली से विधानसभा प्रत्याशी उदयलाल आंजना का देर शाम तक क्षेत्र में चुनावी दौरा और जनसंपर्क अभियान सतत जारी रहा। ग्रामीणों की ओर से श्री आंजना को अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं श्री आंजना भी ग्रामीणों का अभिवादन कर सभी समस्याओं का निराकरण करने की बात कह रहे हैं। निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद उदयलाल आंजना का सतत जनसंपर्क जारी है। जनसंपर्क के दौरान श्री आंजना देर शाम विधानसभा क्षेत्र के घाघरोल, जलमंडी, चरलिया, भाटखेड़ा और नया भाटखेड़ा पहुंचे। ग्रामीणों के बीच आंजना का आगमन होते ही अपना अपार स्नेह ग्रामीणों ने दिखाते हुए फूलों की बारिश की और फलों से श्री आंजना की तुलाई की। श्री आंजना ने किसानों के मुद्दों को अहमियत देते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए कांग्रेस का हर कदम होगा। अफीम नीति से लेकर किसानों की उपज तक सभी को लाभ व्यवसाय बनाएंगे। गांव में विकास कार्यों और रोजगार को बढ़ावा मिले ऐसे उद्योग और उपकरण क्षेत्र में लगाएंगे। बीजेपी के शासन में युवा बेरोजगार हुए हैं, किसानों ने आत्महत्याएं की है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, हर वर्ग परेशान है। जातिवाद और सांप्रदायिक ताकतों को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है। लोकतंत्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है। आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बदलाव का साथ देना है। आपको कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाना है। ऐसा माहौल मैंने इतने चुनाव लड़े जिंदगी में, लेकिन जैसा माहौल इस बार गांव में मिल रहा है वैसा माहौल पहले कभी नहीं रहा। इतना जोश, इतना उत्साह लोगों में है कि रात को 10-11 बजे तक भी पूरे गांव के गांव एकत्रित रहते हैं और सुबह 8 बजे गांव में पहुंचता हूं तो उस समय भी सबके सब उपस्थित रहते हैं। दिन भर काम का समय रहते हुए भी गाँव में कई संख्या कम नहीं हो रही है, पूरा गाँव उमड़ आता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं ये कब 7 दिसंबर आवे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी को भगावे। ये इस प्रकार की तैयारी तो ये मेरा इनसे सनातन है। मैं 1988 में प्रधान बना था, जब से ये 2018 हो गया है, 30 साल का लगातार का इतना लंबा सफ़र है कि इन गाँव में रात दिन आते जाते मुझे पूरा विधान ये पंचायत समिति क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में घूम रहा हूँ। मैं भाटखेड़ा में बैठा हुआ हूँ तो भी अपना घर महसूस करता हूँ, कैसना में बैठा हुआ भी अपना घर महसूस करता हूँ, सूबे में बैठा हुआ हूँ तो भी महसूस करता हूँ, और कटजू में बैठा हुआ हूँ तो भी मुझे लगता है कि मैं घर में बैठा हूँ। सब इतना स्नेह और इतना प्यार देते हैं, इस कारण से ये उत्साह बना हुआ है चुनाव में।